नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। दर्शकों, हम सभी अपने घर में पेड़ पौधे तो लगाते ही हैं, तभी शौकिया तौर पर लगाते हैं, वो सुकून दे, शांति दे, इसलिए लगाते हैं। और जब हरियाली घर में दिखती है तो पॉजिटिविटी अपने आप आती है। लेकिन हर बार पेड़ लगाना सही नहीं होता है, कभी कभी ये नेगेटिविटी भी देता है। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपको घर में लगाने चाहिए और घर में लगाने से आपको फायदा होगा, साथ ही ऑफिस में कौन से पौधे लगाना आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा, सफलता लाएगा, बताएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, गुड लक टिप्स का महा एपिसोड आज है और इसमें हम चर्चा तो करेंगे ही और साथ ही आपकी समस्याओं के हल भी लेंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हमारे घर के अंदर, हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस प्लेस में, हमारी फैक्ट्रीज के अंदर प्लांट लगाने से, पेड़ पौधे लगाने से हमारे घर की, हमारे ऑफिस की सुंदरता जो है उसमें चार चांद लग जाते हैं। साथ ही हमें शुद्ध हवा भी प्राप्त होती है। पहले जमाने में एसी तो होते नहीं थे, लेकिन पेड़ पौधे बहुत होते थे। वो पेड़ पौधों की शुद्ध हवा ही एसी का काम करती थी। कहते हैं कि घर में पेड़ लगाने से, प्लांट लगाने से, पौधे लगाने से हरियाली आती है। घर में रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, पॉजिटिव बने रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगे प्लांट्स, आपके घर में लगे पेड़ पौधे आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, आपकी किस्मत को बदल सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके घर के बगीचे में, घर के आंगन की बगिया में लगे पेड़ पौधे भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट करवाते हैं, धन लाभ करवाते हैं? जी हाँ दोस्तों, वास्तु ग्रंथ वास्तु राज वल्लभ के अनुसार आपके घर की बगिया में, आपके घर के आंगन के बगीचे में तुलसी का पौधा, केले का पौधा, चंपा का पौधा, केतकी का पौधा, चमेली का पौधा, ये लगाना विशेष लाभदायी रहता है। इन्हें लगाने से फाइनेंशियल बेनिफिट बने रहते हैं, धन आगमन बना रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स के एक घंटे के महा एपिसोड में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में, ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें अपने घर की बगिया में, अपने ऑफिस में लगाने से, रखने से आता है गुड लक, संवरती है बिगड़ी हुई किस्मत, मिलता है छप्पर फाड़ के धन, होती है सुख सौभाग्य में वृद्धि। तो आइए जानते हैं उन प्लांट्स के बारे में, उन पेड़ पौधों के बारे में जो आपकी सोई किस्मत को भी जगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनार के पौधे की। आपके घर में लगा अनार का पौधा, आपके घर में लगा अनार का पेड़ आपको राक्षस रूपी कर्ज से, अमर बेल जैसे बढ़ते कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। निश्चित तौर पर दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर, आपके घर की बगिया में अनार का पौधा लगा हुआ है, अनार का पेड़ लगा हुआ है, तो आपके घर में समृद्धि का वास होता है। वहीं आपके घर के आंगन की बगिया में, आपके घर की आंगन की बगिया में लगा हल्दी का पौधा, अब आप कहेंगे कि हल्दी का भी पौधा आता है? जी, जैसे अदरक निकलती है वैसे ही हल्दी का भी पौधा आता है। हल्दी का जो पौधा यदि आपके घर के आंगन की बगिया में लगा हुआ है, चाहे वो गमले में ही क्यों नहीं हो, आपके घर की नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, घर के अंदर, घर की बगिया में हल्दी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। हल्दी का पौधा गुणकारी तो है ही, साथ में चमत्कारी भी है। किसी तरह की नजर, दोष, टोना, टोटका उस घर में प्रवेश नहीं करता है जहां हल्दी का पौधा लगा हुआ हो। बात करते हैं आपके घर के आंगन की बगिया में लगी हुई कृष्णकांता की बेल के बारे में।
तो दोस्तों अपने घर के आंगन की बगिया में कृष्ण कांता की बेल अवश्य लगाएं। कृष्ण कांता की बेल में नीले रंग के पुष्प आते हैं जिन्हें माँ लक्ष्मी बहुत पसंद करती है। कृष्ण कांता की बेल याद रखिएगा, नीले रंग के पुष्पों वाली अपने घर के आंगन की बगिया में अवश्य लगाएं। जिन घरों में कृष्ण कांता की बेल लगी हुई होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आती है, आर्थिक समस्याएं प्रवेश नहीं करती हैं, मां लक्ष्मी का परमानेंट वास बना रहता है। वहीं आपके घर के आंगन में नारियल का पेड़ लगाने से घर के सदस्यों के जीवन में हमेशा तरक्की होती रहती है। नारियल का पेड़ मान सम्मान में वृद्धि करवाता है, इसीलिए आप देखें कि साउथ में जहां मैक्सिमम नारियल के पेड़ होते हैं वहां कितनी समृद्धि है। आप रेगिस्तान के अंदर भी नारियल का पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर में लगाइए और देखिएगा कि आपका घर सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। वहीं घर के आंगन में श्वेतार्क का पौधा, जिसे गणपति का पौधा भी कहा जाता है, सफेद आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है, घर के आंगन में श्वेतार्क का पौधा लगा, गणपति का पौधा लगाएं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद मिलता है, बरकत बनी रहती है, लाभ बना रहता है। बिल्कुल, तो अनार का पौधा आप लगा सकते हैं, हल्दी का पौधा लगा सकते हैं और चाहे तो नारियल का पौधा भी आप लगा सकते हैं। और कौन कौन से पौधे हैं या पेड़ हैं जो हमें घर में लगाने चाहिए जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, और कौन से नहीं लगाने चाहिए, पंडित जी ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन हरियाणा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ समय दें। हेलो, हेलो जी, पंडित जी लक्ष्मी इनका नाम है, बेटे कौशल के लिए जानना चाहती हैं 9 अगस्त 1998 डेट ऑफ बर्थ और 7:45 सुबह का समय। लक्ष्मी जी स्वागत है आपका, सवाल बताएं। हाँ जी मैडम, 19 अगस्त है, 9 अगस्त नहीं है, 19 अगस्त बोला था मैंने जी। 19 अगस्त। हाँ जी, जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। बेटे का जन्म का वो है तारीख है 19 अगस्त और 1998 का जन्म है। 1998 सुबह 7:45 जी, 7:45। प्रश्न पूछिए बेटा। प्रभु इससे ना हम इतना परेशान हो रहे हैं पिछले 2 सालों से, बेटे से वो गलतियां हो रही हैं जो कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, और हर गलती इसके अंदर है, और ये बहुत अच्छा बेटा था लेकिन 2 साल से समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पिछले बीते समय तो इससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और पुलिस केस इसके साथ लग गया है। देखिए बेटा लक्ष्मी, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, देर आर टू मैनी प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि इसके जन्म कुंडली के अंदर शनि नीच का है। दूसरी प्रॉब्लम है इसकी जन्म कुंडली में मंगल भी नीच का है। तीसरी प्रॉब्लम है इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ कालसर्प दोष। चौथी प्रॉब्लम है जो शनि नीच का है उसकी ही माँ दशा चल रही है, सन 2006 से शनि की माँ दशा चल रही है, नीच का शनि है, 2025 तक चलेगी। शनि नीच का होकर भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्य स्थान का मालिक नीच का मंगल जो है नीच का होकर द्वादश भाव में बैठा है, कोर्ट कचहरी अपमान अपयश जेल यात्रा सब कुछ इसको भुगतनी पड़ सकती है। और सन 2016 से, नवंबर 2016 से इसका एक नकारात्मक समय चल रहा है। पहले शनि की मादशा सूर्य का अंतर चल रहा था और अभी शनि की मादशा और चंद्रमा का अंतर कहते हैं, विष योग बोलते हैं, जहर के समान योग है, इसीलिए अपमान अपयश कोर्ट कचहरी सब करवाता है। ये नेगेटिव पीरियड जो सन 2017 अक्टूबर 2017 से चल रहा है वो अभी 29 मई 2019 को ख़त्म होने वाला है। कमिंग 4-5 दिन के बाद में ही शनि में चंद्रमा का विष योग खत्म होने वाला है। लेकिन उसके बाद में एक और खराब समय शुरू होगा, शनि की मादशा मंगल का अंतर दोनों ही नीच के हैं। अब दोनों ही ग्रह नीच के हो जाएंगे तो वो क्या तूफान मचाएंगे कहा नहीं जा सकता है। इस बच्चे की तुरंत प्रभाव से किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति करवाएं, काले नीले लाल कलर के कपड़ों का प्रयोग बंद कर दें। अगर ये नहीं करता है तो आप मंगलवार शनिवार 2 दिन का नियम बांधिए कि सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं।
उसके साथ में जैसे मैंने कहा दो टाइम, दो सप्ताह में दो दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। चौथा जो काम करना है वो जब भी समय मिले आपको एक बार कालसर्प दोष की पूजा करवा दीजिएगा उज्जैन या नासिक जाकर। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाना है और इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर अभी कोई भी बुधवार का दिन देख के कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर इन सरल उपाय से कुछ लाभ होगा। बिल्कुल, तो लक्ष्मी जी उपाय पंडित जी ने बताए हैं, टिप्स पंडित जी ने बताए हैं, आप चिंता मत करिए, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विक्रांत जी का कॉल लेते हैं, अलवर से ये जुड़ गए हैं। 18/5/1999 डेट ऑफ बर्थ और 12:20 का इनका रात का समय है। विक्रांत जी स्वागत है आपका, बताएं सवाल क्या है। हेलो जी विक्रांत जी। सर मेरे दिन का है डेट ऑफ बर्थ 12:20 दोपहर 12:20 जी सर। सर मुझे दिक्कत ये आती है, मैं पिछले 5 साल से सोशल वर्क में और पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन सर मैं हमेशा जहाँ ट्राई करता हूँ वहीं मुझे मतलब पहले तो ही हो जाता है कि हो जाएगा आपका, लेकिन उसके बाद ही मुझे नेगेटिव वहाँ से इन्फॉर्मेशन। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए वापस। 18/5/1999 सर। 18 मई 1999 जी सर। ओके, देखिए बेटा अभी विक्रांत आप बहुत छोटे हैं, शायद अभी 19-20 साल के होंगे और आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी बेसिक समस्या ये है आपके साथ में कि आपके भाग्य, वैसे तो आपके ग्रह अच्छे हैं लेकिन भाग्य स्थान में शनि नीच का है। मेहनत के साथ में भाग्य की बहुत ज़रूरत होती है, बगैर भाग्य के जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे करियर के अंदर बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, एट एवरी स्टेज एट यू नीड बेटर लक। भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु स्वग्रही है, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन शनि जो नीच का है भाग्य, वो आपको भाग्यहीन बनाता है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें। इफ़ यू वॉन्ट गेट सक्सेस इन द पॉलिटिक्स, हर शनिवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। काले और नीले रंग के कपड़ों से अपने आप को दूर रखिए। द्वादश भाव में राहु बैठा है, व्यर्थ का अपमान अपयश कोर्ट कचहरी करवाता है। जुआ सट्टा लॉटरी इन चीज़ों से दूर रहिएगा, शेयर मार्केट से दूर रहिएगा। किसी की जमानत नहीं लेनी, किसी की गारंटी नहीं लेनी है, दो जने लड़ रहे हों तो बीच में पंचायतें नहीं करनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बिल्कुल, तो आपको उपाय पंडित जी ने बताए हैं, टिप्स बता दिए हैं विक्रांत जी, तो आपके जीवन में सफलता आएगी। अभी बहुत छोटे हैं और अभी से आप में इतनी लगन है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे कॉल ले लेते हैं पंडित जी, मांगीलाल जी का कॉल है और ये जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। 16/6/1989 डेट ऑफ बर्थ और 6 बजे का 1989 जी, और 6 बजे का सुबह शाम सुबह का समय है। मांगीलाल जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर मेरा एक 2013 में कोई इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू कोर्ट में रुक गया, उसका निर्णय नहीं आया, उसका निर्णय नहीं आया है जी, बताएं। हाँ तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? देखिए ऐसा है मांगीलाल जी, आपकी जन्म कुंडली में 19 साल की शनि की महादशा चल रही है, सन 2001 से चल रही है 19 साल की शनि की महादशा। अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, शनि की महादशा और गुरु का अंतर आपको चल रहा है, अक्टूबर 2020 तक ये रहेगा। अगले वर्ष अक्टूबर 2020 में शनि की 19 साल की महादशा उतरेगी और उसके बाद में बुध की महादशा शुरू होगी। आपके जीवन में आपके कैरियर का, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होगा, सबसे बेहतरीन समय शुरू होगा। रही बात आपके कोर्ट कचहरी से मैटर संबंधित समस्याओं की, तो क्या उसमें आपको विजयशी हासिल होगी? निश्चित तौर पर सन 2020 के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा। समस्या क्या है? समस्या एक तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच का है, दूसरा आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में राहु बैठा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, हर्डल्स नहीं आए, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए, चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसके साथ साथ में उड़द की दाल के बने हुए पकवानों का भोग लगाइए, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, वजन के बराबर गुड़ का दान मंगलवार के दिन
गौशाला के अंदर करें, सफलताएं और मनोकामनाएं आपके कदमों को चूमेंगी। बिल्कुल, तो ये कुछ टिप्स मांगीलाल जी आपको बताए हैं, और आज हम वो टिप्स भी आपको बता रहे हैं कि अगर आप घर में कुछ पौधे लगाते हैं तो आपको किस तरह से फायदा होगा, और अगर कुछ पौधे आपने घर में लगा रखे हैं तो उनको हटा दीजिए क्योंकि वो आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और जल्द ही लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है, और दर्शकों आज हम चर्चा कर रहे हैं पौधे की। आप घर में कौन से पौधे अपने लगा सकते हैं, ऑफिस में कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए। पंडित जी, कई लोग तुलसी के पौधे लगाते हैं तो उनको लगाना कितना शुभ होता है, और कौन कौन से पौधे हैं जो हमें घर में लगाने चाहिए। देखिए, तुलसी का पौधा हिंदू शास्त्र में सबसे शुभ माना गया है। आपके घर के आंगन में लगी जो तुलसी है उसको एक तरीके से माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आपके घर में तुलसी का पौधा रुकता नहीं है, सूख जाता है, बार बार सूख जाता है, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है जो उसको पनपने नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि तुलसी अगर आपके घर में पनप रही है तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करती है, उसे नष्ट करने की ताकत भी रखती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुलसी का पौधा कहाँ रखें, वो बहुत ज़रूरी है। तुलसी का पौधा ध्यान रखें कि घर के दक्षिण भाग में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर तुलसी का पौधा आपके साउथ डायरेक्शन में लगा हुआ है तो फायदे के बदले आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तुलसी का पौधा घर में आपके उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं, पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इन दिशाओं में लगाने से तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर बरकत लाता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। लेकिन गलत दिशा में लगा हुआ तुलसी का पौधा जल्दी सूख भी जाता है और नेगेटिव एनर्जी भी फ्लो करता है। आपने बहुत से घरों में, पहले आजकल तो बंद हो गया, लेकिन घरों में देखा होगा आम के पेड़ लगे होते हैं, और आजकल भी लोग जहाँ थोड़ा सा स्पेस मिलता है, बगिया मिलती है, बड़े शौक से अलग अलग तरह के आम के पेड़ लगाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप आम का पेड़ आपके घर के आसपास अगर लगा है तो आपको किस तरह की हानि पहुंच सकती है। घर के अंदर आम का पेड़ का होना आपके बच्चों के ऊपर बुरा असर डाल, ऐसे पेड़ शौक से कभी नहीं लगाएं। और पहले से लगे हों तो आप ये कर सकते हैं कि इस पेड़ के पास में ऐसे पेड़ लगाएं जो शुभ माने जाते हो। जैसे मेरे घर में भी आम का पेड़ लगा हुआ है, तो आम के पेड़ के पास में आप नारियल का पेड़ लगा सकते हैं, नीम का पेड़ लगा सकते हैं, अशोक का पेड़ लगा सकते हैं, तो ये आम के पेड़ की जो नेगेटिविटी है उसको कट कर दे। आजकल आपने देखे होंगे बेल वाले पौधे बहुत से, जो बेल लताएं वाले जो पौधे होती हैं उनको कहाँ लगाना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेल वाले जो पौधे और लताओं वाले जो पौधे हैं उनको आप घर के प्रवेश द्वार या बालकनी के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो जो लताएं हैं, वो जो बेल हैं, वो कंपाउंड की दीवार से ऊंची नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट टू मैनी हर्डल्स, टू मैनी प्रॉब्लम्स, ग्रोथ को रोक देती है। बरगद और पीपल के पेड़ अक्सर हमने सुने हैं, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसको बहुत पवित्र माना गया है। बरगद पीपल के पौधों को, पेड़ों को घर में नहीं लगाना चाहिए, मंदिर के अंदर लगवाइए, गार्डन के अंदर लगवाइए। ये पेड़ आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी है इसमें, यदि आपके घर के अंदर बार बार अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है,
हर थोड़े समय बाद किसी न किसी की अकाल मृत्यु हो रही है। तो 11 बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ का संकल्प ले लीजिए, अलग अलग जगह पर पीपल के पेड़ लगाइए और उनको पालिए पोसिए, आपके घर के अंदर अकाल मृत्यु का होना बंद हो जाएगा, सबकी उम्र अच्छी बनी रहेगी। वहीं अगर आपके घर में बच्चों की बुद्धि तेज ना हो, मेमोरी अच्छी नहीं रहती हो, पैसा रुकता नहीं हो, कर्ज बना रहता हो, लड़ाई झगड़े बने रहते हो, तो घर में अशोक का पेड़ लगाइए। अशोक का वृक्ष सबसे शुभ वृक्ष माना जाता है। आंवले का पौधा, आंवले का पेड़ आप घर में लगाते हैं तो कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट प्रवेश नहीं करते हैं। वहीं घर में गेंदा लगाने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। गेंदे का पौधा लगाने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। केले का पौधा, कहते केला नहीं लगाना चाहिए लेकिन हम कहते हैं केला लगाना चाहिए, केला और तुलसी दोनों एक साथ लगाना चाहिए। केले के पेड़ को ईशान कोण में लगाने से धन धान्य में वृद्धि होती है, और यदि केले के पौधे के साथ तुलसी का पौधा साथ लगा दिया जाए, केले के पौधे को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और तुलसी को मां लक्ष्मी का, उस घर के सभी वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जो है उसका परमानेंट आशीर्वाद बना रहता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी हो, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके गार्डन में, आपकी बगिया में पौधे जो हैं हमेशा इवन नंबर्स में लगाने चाहिए। इवन नंबर्स, कोई भी पौधा या बड़ा पेड़ आपके घर के सामने है तो उसे शुभ नहीं माना जाता है। घर के अंदर बॉन्साई जो प्लांट्स होते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, ये प्लांट्स घर के मुखिया और बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जिन पौधों से सफेद दूध निकलता हो, मिल्क एक्सट्रैक्ट होता हो, दूध जैसा, सफेद दूध जैसा निकलता हो, वो पौधे घर में कभी नहीं लगाने चाहिए। कैक्टस के पौधों को भी घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो आम आपको घर में नहीं लगाना है, और लगाते भी हैं तो कुछ शुभ पौधे जो हैं वो आप साथ में लगा सकते हैं। पीपल मत लगाइए, कैक्टस मत लगाइए, और ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो आपको लगाने नहीं लगाने, इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। पंडित जी कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। ये नीलिमा जी हैं, और माफ कीजिएगा, नीलम जी हैं बयाना से, और बेटे के लिए जानना चाहती हैं 10 अप्रैल 1991 डेट ऑफ बर्थ, और 7:15 का इनका समय है शाम का। नीलम जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है, सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रश्न पूछिए बेटा। हाँ जी सर, मेरे बेटे के बारे में पूछना था कि एक तो वो काम क्या करे, जयपुर में खोलना चाहता है, और दूसरा वो अब गाड़ी लेना चाह रहा है, कौन से कलर की ले और कब ले। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा इसको चल रही है और गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। वैसे तो इस बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन इसकी कुंडली में काल सब दोष है, साथ में माला योग तो बना हुआ है ही, लेकिन माला योग के शुभ असर के ऊपर काल सब दोष नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो तो उज्जैन या नासिक में एक बार इसके सर्प दोष की पूजा करवा दीजिएगा। रही बात काम किस तरह का इसको शुरू करना चाहिए, कपड़े को छोड़कर, सफ़ेद चीज़ों का, दूध इत्यादि प्रोडक्ट को छोड़कर, कपड़ों का काम को छोड़कर, बाकी ये और कोई भी काम कर सकता है, फैंसी आइटम से रिलेटेड काम कर सकता है, ज्वेलरी का काम कर सकता है, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल एसेसरीज, इस तरह का काम कर सकता है, फैंसी स्टोर कर सकता है, लेडीज़ आइटम कर सकता है, लेकिन कपड़ों का काम नहीं करना है। रही बात कलर कौन सा इसको सूट करता है, तो कलर जो है वो रेड कलर में ले सकता है, येलो कलर, येलो में तो गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं, ब्लैक कलर भी इसको सूट करता है, वाइट कलर की गाड़ी इसको नहीं लेनी, ऑफ वाइट कलर ले सकता है, ब्राउन ले सकता है, और बाकी सिर्फ वाइट कलर को छोड़कर किसी भी तरह के कलर को लेगा तो शुभता का ही संचार होगा।
बिल्कुल, तो आगे भी आपकी समस्याओं के समाधान हम देते रहेंगे और आपको देते रहेंगे गुड लक टिप्स। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हम पेड़ पौधों पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन से पौधे आपको घर में रखने चाहिए और कौन से पौधे नहीं। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो कई पौधे पंडित जी ऐसे होते हैं जो घर में लगाना बहुत अच्छा होता है, तो वो कौन से पौधे हैं? जी बिल्कुल, तो दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे सोबर सिंपल प्लांट्स के बारे में जिन्हें घर में लगाने से आपको कभी डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप कहेंगे कि पंडित जी ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, मैं आपको बताऊंगा, आप सुनिएगा अच्छे से। तो दोस्तों, हमारी जो ये डेली की जो बदलती हुई जो लाइफस्टाइल है उसके कारण आपको और हमको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की शिकायत हो जाती है। और अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ कुछ पौधे घर में लगाने से आप सभी हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है, फैक्ट है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो घर में हरियाली लाने और हवा को शुद्ध करने के साथ ही आपके हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो उनमें सबसे पहला कौन सा है ये उसको समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा, और नहीं है ये प्लांट्स तो लेके आइएगा। चाइनीज फ्लावर, फेंगशुई के अनुसार चाइनीज फ्लावर नई आशा नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसके पौधे को घर पर लगाने से घर में खुशियां आती हैं। यही नहीं, जिन घरों के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से रहता हो, पति पत्नी में लड़ाई बनी रहती हो, तू तू मैं बना रहता हो, उन्हें विशेष तौर पर खास तौर पर अपने बेडरूम में अपने घर के अंदर चाइनीज फ्लावर अवश्य लगाना चाहिए। इस पौधे को आप घर के लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो बेडरूम में भी लगा सकते हैं। अगला पौधा है लिली का पौधा। फेंगशुई शास्त्र के अनुसार लिली का पौधा घर में लगाना काफी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। फेंगशुई में कहा जाता है कि लिली का पौधा घर के लोगों में खुशियां और सौहार्द बढ़ाता है, हेल्दी रिलेशनशिप करता है। लिली के पौधे की खासियत यह है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर के लोग पहले की तुलना में काफी शांत रहते हैं। इसलिए इस पौधे को, लिली के पौधे को अपने घर के लिविंग रूम में या फिर मेडिटेशन वाले कमरे में भी लगा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का हो उसके कमरे में भी लगा सकते हैं, शांत रहेगा। बात करते हैं चमेली के प्लांट की। चमेली के आकर्षक और खुशबूदार पौधे को अपने घर की बगिया में लगाने से कई फायदे होते हैं। चमेली की खुशबू न केवल अच्छी नींद को लेकर आती है बल्कि ये कंसंट्रेशन में भी आपकी मदद करती है, ध्यान केंद्रित करने में भी आपकी मदद करती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो चमेली की खुशबू से आप अपने काम में कंसंट्रेट कर पाते हैं, आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है। घबराहट जिन लोगों को होती हो
बेचैनी जिन लोगों को होती हो उनके घर में चमेली का पौधा उनकी घबराहट को दूर कर सकता है, उनकी बेचैनी को दूर कर सकता है। बिल्कुल, तो देखिए कितने फायदेमंद ये पौधे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें या पॉजिटिविटी देखें, हर तरह से पौधे आपको आपके जीवन में सफलता, खुशियां और सकारात्मकता ही देते हैं। तो जो पौधे पंडित जी बता रहे हैं वो पौधे आप अपने घर में जरूर लगाएं। पंडित जी कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सोहन लाल जी बस्सी से जुड़ गए हैं और 25 जून 1995 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। सोहन लाल जी स्वागत है आपका, अगर समय है तो समय बताएं और फिर सवाल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 25 है 1994 जी, और समय पता नहीं है जी। और पंडित जी गाड़ी लेने सोच रहा हूँ मैं। बेटा गाड़ी आप ले सकते हैं, आपका शनि अच्छा है और चूंकि शनि स्वग्रही है लेकिन वक्री है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। बाकी आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग आपका अच्छा है। सफ़ेद कलर मत लीजिएगा, सफ़ेद कलर आपको सूट नहीं करता है। उसके अलावा आप कोई भी कलर को सूट कर सकते हैं, कोई भी कलर की गाड़ी ले सकते हैं। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन अवश्य करें, हरे कपड़े खूब पहनिए, हरी सब्जी खूब खाइए और बुधवार को गौशाला में गौ माता की सेवा कीजिए, सफलताएं आपके कदमों को चूमेंगी जी। और पंडित जी अब जोधपुर से गोवर्धन जी जुड़ गए हैं, उनका कॉल भी ले लेते हैं। 21 दिसंबर 1965 डेट ऑफ बर्थ और 5 बजे का सुबह का समय। स्वागत है आपका गोवर्धन जी, सवाल क्या है जी? गोवर्धन जी सुन पा रहे हैं आप जी? इनका फोन कट गया पंडित जी। आगे नरेश जी का कॉल ले लेते हैं, भरतपुर से ये जुड़ गए हैं। नरेश जी स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। 14 जुलाई 1964 समय बताएं। समय रात्रि 8 बजे, जन्म स्थान भरतपुर। प्रश्न पूछिए। पंडित जी एक तो कोर्ट केस चल रहे हैं, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से बहुत परेशानी का समय है, तो एक तो कोर्ट केसों में हमें विजय मिलेगी या नहीं पंडित जी, और सही समय कब आएगा? पूरा जीवन संघर्ष में निकला है, इसी तरह रहेगा जीवन या आगे समय अच्छा आएगा पंडित जी, ये पूछना है आपसे, और कोई आप उपाय बताएं। जन्म कुंडली में आपके अगर देखें तो एक तो शनि की महादशा आपको चल रही है, 19 साल की शनि की महादशा फरवरी 2017 से शुरू हुई है। शनि में शनि का अंतर कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। 6 फरवरी 2020 को शनि में शनि का अंतर खत्म होगा, उसके पश्चात शनि की महादशा बुध का अंतर शुरू होगा। दैट विल बी मच बेटर पीरियड पिछले 3 साल के मुकाबले। अगले 3 साल जो हैं जो 2020 से शुरू होंगे उसमें कोर्ट कचहरी के मैटर्स में आपको विजयशी हासिल होगी। आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है, सूर्य राहु की युति पितृदोष बनाती है, उस पितृदोष के कारण आपके जीवन के अंदर अशांति का माहौल बना रहता है। नियमित रूप से अपने घर में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक, जहाँ पानी का मटका भरते वहाँ पे जला के रखिए। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के, अपने माता पिता अगर मौजूद हैं तो ठीक, नहीं मौजूद हैं तो माता पिता दादा दादी 4 श्राद्ध अवश्य कीजिए। उज्जैन या नासिक जाकर एक बार उस अज्ञात आत्मा के निमित्त जो ऐतृप्त है पितृदोष की शांति करा के आइए, सफलताएँ आपके कदमों को चूमेगी। उसके साथ साथ में वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करें जी। पंडित जी और अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं, जो विशेष चर्चा आज हम गुड लक टिप्स के महा एपिसोड में कर रहे हैं, पौधों की, फूलों की, प्लांट्स की। तो लैवेंडर ऑयल जो होता है, जो नीले नीले फूल होते हैं, और एलोवेरा, क्या उन्हें हम घर में लगा सकते हैं, और घर में लगाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? तो दोस्तों मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे पौधे जो घर में अगर प्लांट लगाते हैं तो मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लैवेंडर ऑयल की भी एक पौधा होता है, लेवेंडर ऑयल का प्लांट। लेवेंडर ऑयल के बारे में तो आपने सुना होगा, उसके फायदों से तो आप और हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पौधा, लेवेंडर ऑयल का पौधा अगर घर में लगा हो तो आपके घर का जो एटमॉस्फियर है, वातावरण है, वो खुशनुमा बना रहता है। लेवेंडर से घबराहट नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होती है, साथ ही ये पौधा एक आरामदायक नींद लाने में भी आपकी मदद करता है। छोटे बच्चे जो सोते नहीं हैं, ये पौधा उनको नींद दिलाने में भी आपकी मदद करता है। एक और पौधा है, वो है
इंग्लिश आईवी प्लांट, इंग्लिश आईवी प्लांट, इंग्लिश आईवी प्लांट सबसे बेहतर वायु शोधक माना जाता है। शोध के अनुसार ये हवा को 94% तक शुद्ध कर सकता है और एक ऐसा पौधा है जो कमरों में आसानी से लगाया जा सकता है। यह पौधा विशेष तौर पर जो अस्थमा के पेशेंट है, दमे के मरीज है, उनके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। अपने बेडरूम में यदि आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप इस प्लांट को लगाइए, आरामदायक नींद भी आएगी, अस्थमा में आपको रिलीफ भी मिलेगा। एलोवेरा, इसके बारे में तो आप सब लोग आजकल बहुत प्रचलित हो चुका है पौधा और सब जानते ही होंगे। एलोवेरा का जो इस्तेमाल है ब्यूटी से लेकर हेल्थ तक सभी समस्याओं को दूर करने में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा का पौधा अच्छी नींद लाने में भी आपकी मदद करता है। एलोवेरा का पौधा रात को ऑक्सीजन छोड़ता है जिसका सकारात्मक असर सेहत पर अच्छी नजर डालता है। और एलोवेरा का पौधा यदि घर के अंदर रखा हुआ है और अगर आप उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा काट के आप चाहें तो उसके अंदर की गुदा को खा भी सकते हैं, आप चाहें तो अपनी स्किन के ऊपर उसको रगड़ भी सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जी, तो एलोवेरा हो या लेवेंडर ऑयल हो, बहुत सारे पौधे हैं जो खुशबू तो देते ही हैं, पॉजिटिविटी तो देते ही हैं और साथ ही में आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। पंडित जी, ऑफिस पर या बिजनेस प्लेस जो है वहाँ कौन से पौधे हम लगा सकते हैं ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल लेते हैं। शिवराम जी का कॉल अजमेर से, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 जनवरी 1998 डेट ऑफ बर्थ और 7:30 बजे का इनका शाम का समय है। शिवराम जी, स्वागत है आपका, सवाल क्या है, सवाल कीजिए। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बेटा। पंडित जी, जन्म तारीख 30 जनवरी है। 30 30। हाँ जी, और शाम 7:30 का जन्म। 30 जनवरी 1998। जी हाँ। शाम को 7:30। जी हाँ। प्रश्न पूछो बेटा। पंडित जी, मेरे मतलब क्या है, सर्विस वर्विस का कोई जोग नहीं बैठ रहा है, बहुत समस्या में है, क्या चक्कर है? क्या करता है अभी? पढ़ाई लिखाई कितनी है? पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन चल रही है मेरी, और मैंने कंपटीशन भी काफी दिए हैं। ग्रेजुएशन हो गई आपकी? नहीं, कंप्लीट नहीं हुई सर, अभी सेकंड ईयर है। ओके शिवराम, जहाँ तक अभी तो बहुत छोटे हो बेटा आप, 98 का आपका जन्म है, शायद 19 साल 20 साल के बच्चे होंगे आप, 21 साल के, अभी से क्यों समस्या में आते हो? तो पूरा जीवन पड़ा है आपके लिए। समस्या में तो वो भी नहीं आते हैं जो बेचारे 29 30 साल के हो गए और जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इसलिए डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन को कम्प्लीट करो, उसके बाद में नौकरी के बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप IAS दे सकते हैं, आप RS दे सकते हैं, आप बड़े कंपटीशन दे सकते हैं। चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली में है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, राहु आपके दिमाग में बैठा कन्फ्यूज करवाता है। एक तो आदमी खुद से परेशान होता है, अपने दिमाग से परेशान होता है, उस कैटेगरी में आप आते हो, खुद से परेशान मत होइए। शनि की महादशा आपको चल रही है और शनि में शनि का अंतर अभी 23 मई को ख़त्म हुआ है, अब शनि में बुध आया है, बेटर पीरियड है। कई जॉब करना चाहते हैं तो अब जॉब मिल जाएगी। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रहें, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, तैयारी कीजिए, आपका गोल्डन पीरियड अब शुरू होगा और आने वाले 3 सालों में सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। बिल्कुल शिवराम, इतनी लगन आप में है, आप मेहनत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, तो बहुत अच्छी बात ये है। और उज्जवल आपका भविष्य होगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जैसा पंडित जी ने आपको बताया है, टिप्स जो दिए हैं वो कीजिएगा और बिल्कुल परेशान मत होइए। रेणुका जी का कॉल लेते हैं। पंडित जी, महाराष्ट्र से ये जुड़ गई हैं और अपने भांजी के लिए जानना चाहती हैं। 14/12/1993 डेट ऑफ बर्थ और 7:15 का सुबह का समय। स्वागत है रेणुका जी, सवाल कीजिए। गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी, मेरे बहन का लड़का है, उसका नाम है प्रतीक। इसके बारे में ये पूछना है, इसका जन्म स्थान है बुलडाना, इसके बारे में ये पूछना है कि इसकी शादी कब होंगी और इसको पत्नी कैसे मिलेगी। देखिए बेटा रेणुका, जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है, पहली चीज तो यह है कि इसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है,
तो इसके माता पिता से पूछिएगा कि मूल शांत करवाए थे या नहीं करवाए थे, पैदा होते ही 27वें दिन जो मूल शांत होते हैं, यदि वो नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहला काम मूल नक्षत्र की शांति करवाना है। क्योंकि अगर किसी बच्चे के मूल में पैदा हुआ और मूल शांत नहीं होते तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप इस बात को तस्दीक कर दीजिएगा कि इस बच्चे की मूल शांति अवश्य हो गई हो, नहीं हो तो करवाना है। दूसरा, इसकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, सूर्य राहु दोनों साथ बने हुए। पितृदोष का मतलब यह है कि इनके परिवार में तीन पीढ़ियों में, पिता, दादा, परदादा, तीन पीढ़ियों में अकाल मृत्यु हुई हो, इस बच्चे के जन्म से पहले इनकी माँ के अबॉर्शन हुए हों तो भी पितृदोष आ जाता है। तो नासिक में, उज्जैन या नासिक में जाकर पितृदोष की विधिवत शांति अवश्य करवाएं। तब वो ही एक मुख्य कारण है विवाह नहीं होने के अंदर या विवाह सुख प्राप्त करने में। सूर्य की महादशा राहु का अंतर अभी 23 मार्च 2019 को खत्म हुआ है। अब सूर्य की महादशा गुरु का अंतर है, निश्चित तौर पर इसी वर्ष में इसका विवाह तय होगा। आने वाले 3 महीनों में इसका विवाह तय हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको पूजाएं बताई हैं वो अवश्य करनी है। बिल्कुल, तो उम्मीद है आपकी समस्या का हल आपको मिला होगा। टिप्स पंडित जी ने आपको दे दिए हैं, वो टिप्स अपनाइएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और दर्शकों, आगे हम बात करेंगे उन पौधों की जिन्हें आप अपने बिजनेस प्लेस पर, ऑफिस में लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो धन वृद्धि करवाते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाते हैं। तो कौन से वो पौधे हैं और कौन से पौधे आपको अपने ऑफिस में लगाने हैं बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उन पौधों की, उन पेड़ की जिन्हें आप घर में लगा सकते हैं। तो घर में आपको कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन कौन से नहीं लगाने चाहिए, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या सकारात्मक दृष्टि से हो, ये हमने बता दिया। लेकिन पंडित जी, ऑफिस में, बिजनेस प्लेस में ऐसे कौन से पौधे हैं जो लगाएं जिससे वृद्धि हो, धन वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और व्यापार बढ़ता चला जाए? हाय दोस्तों, आज हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में, ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें आपके बिजनेस प्लेस पे, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में लगाने से चमक उठेगी आपकी किस्मत। ऐसे पौधे लगाने से चल पड़ेगा आपका व्यापार, बरसने लगेगा धन, पढ़ने लगेगी तिजोरी भी छोटी। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि पर्सनल लाइफ की तरह ही प्रोफेशनल लाइफ भी शानदार हो, तरक्की मिले, प्रसिद्धि मिले, पैसा मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस, कह लीजिए टेंशन कह लीजिए, होती ही रहती है, जो कि हमारे सक्सेस को गेन करने में रोड़े अटकाती है। तो फेंगशुई शास्त्र में आपके बिजनेस प्लेस, आपके ऑफिस, आपके शोरूम के माहौल को अनुकूल, पॉजिटिव बनाने के लिए, मां लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष पौधों को लगाने के बारे में बताया गया है। इनको लगाने से न सिर्फ आपके बिजनेस प्लेस, आपके ऑफिस, आपके शोरूम का माहौल खुशनुमा रहता है, बल्कि तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। बस ख्याल रखना है कि कौन सा प्लांट लगाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं, मनी प्लांट से शुरुआत करते हैं। मनी प्लांट आप घर में भी लगाते हैं, आप सब जने जानते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मनी प्लांट अर्थात धन का पौधा। यह पौधा जितना हरा होता है, धन का आगमन उसी तेजी से होता है। इसके पत्तों का मुरझाना, सफेद हो जाना अशुभ माना जाता है। भूमि पर, जमीन पर फैलकर वृद्धि करने वाली बेल दोषकारक होती है। मनी प्लांट जीवन को फाइनेंशियल और सामाजिक रूप से समृद्ध करता है। इसे लगाने से खूब तरक्की मिलती है, सफलता की नई राहें खुलती हैं। तो अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस पे प्लेस पर, अपने शोरूम में मनी प्लांट का पौधा अवश्य लगाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, स्नेक प्लांट बोलते हैं, स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है।
आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा, सर्च मारिएगा, मिलेगा आपको। स्नेक प्लांट जो है घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन बेहतर नींद लाने में भी मददगार करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रदूषित हवा को अपने अंदर खींच लेता है और शुद्ध हवा पाने के लिए इसे आप अपने घर में, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। इस पौधे की एक और खास बात है कि रात में जब सारे पौधे नाइट्रोजन छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन देता है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों को भी दूर कर सकता है। अगला पौधा है ड्रासाइना। ड्रासाइना जो पौधा है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, एक अद्भुत प्रेरणा से लबरेज कर देता है, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही उसमें सफलता भी दिलवाता है। इसे ऑफिस में लगाने से ऑफिस का जो स्टाफ है वो पॉजिटिव बना रहता है, आप स्वयं पॉजिटिव बने रहते हैं। लकड़ी और आग के तत्व मौजूद होते हैं तो हर वक्त यह पौधा आपकी एनर्जी को, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता रहता है, प्रोत्साहित करता रहता है। बैंबू, यह पौधा लगाने से व्यक्ति के अंदर गजब का आत्मविश्वास आ जाता है, पूरा स्ट्रेस दूर हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य खूब चमकता है, धन धान्य की वर्षा होती है। अगर आप अपने ऑफिस में बैंबू ट्री रखते हैं तो आपकी किस्मत चमकने लगती है, फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। यदि आप अपने ऑफिस की टेबल पर रखें तो मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता है, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर निखार आता है, बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल, तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, आपके धन वर्षा करते हैं, खुशियां बढ़ाते हैं, सफलता आपको देते हैं, तो आगे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। पंडित जी, हमारे साथ कॉलर नीतू जी जुड़ गई हैं कोटा से, बेटी के लिए जानना चाहती हैं 24/10/2003 डेट ऑफ बर्थ, 10:25 सुबह का समय है। नीतू जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है, सवाल बताएं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। हाँ पंडित जी, मैं मेरी बच्ची के बारे में जानना चाहती हूँ कि एक तो ये पढ़ने में कमजोर है और बीमार बहुत ज्यादा रहती है, और इसके भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 18 साल की राहु की महादशा इसको चल रही है 2014 ऑनवर्ड से, और 2032 तक राहु की महादशा रहेगी। इसकी जन्म कुंडली के अंदर एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है, गुरु है, वो भी सूर्य के घर में बैठा है। टेक्निकल आप इसको मत डालिएगा, इंजीनियर डॉक्टर बनाने की मत सोचिएगा। लॉ सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकती है, अकाउंट सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकती, मैनेजमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकती, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकती, सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। लेकिन इसकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है। एक तो वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर अवश्य करें, हर साल इसके जन्मदिन पर वजन के बराबर गुड़ का दान, एक तांबे की जैसे लोहे का छल्ला होता है वैसे तांबे का छल्ला बनाकर इसको अनामिका उंगली में धारण करवा दीजिए, और इसको बोलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। तांबे की बोतल का, तांबे की चरी का, तांबे के पात्र का पानी ही इसको पिलाना है, और कोई पानी इसको नहीं पिलाना है। राहु के लिए गोमेद रत्न का पेंडेंट इसके गले में डाल दीजिए, किसी आचार्य से बात करके विधिवत रूप से राहु की शांति करवाइए, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी राहु की महादशा है, राहु फ्लक्चुएट करता है, ये सरल उपाय कीजिएगा, फायदा होगा। बिल्कुल, और पंडित जी आगे और पौधों के बारे में जानना चाहेंगे जो पौधे हम बिजनेस प्लेस पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने वर्क एरिया में, वर्क प्लेस पर, अपनी दुकान में, अपने शोरूम में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में ऐसे कौन से पौधे लगाएं जिससे कि आपका बिजनेस चल पड़े, दौड़ पड़े। एरिका पाम। एरिका पाम क्या होता है? यह पौधा जो है वो नारियल के पेड़ की तरह दिखता है, ऑफिस में इसे रखना शुभ माना जाता है। एरिका पाम को यदि आप ऑफिस में रखते हैं तो आपके आसपास शुद्ध हवा का संचार तो होता ही, साथ साथ में एक सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी का भी फ्लो होता है। कई सारे पौधे ऐसे होते जो हमारे आसपास सकारात्मकता लाते हैं, एरिका पाम उनमें से ही एक है। इसे लगाने से आपको नेगेटिव थॉट्स से, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। स्थितियां कैसी भी हो, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव बनी रहती है। अगला है चाइनीज मनी ट्री। मनी प्लांट तो आप सभी अपने घरों में लगाते ही हैं,
लेकिन ये चाइनीज मनी ट्री जो है ऑफिस टेबल पर इसे लगाने से आपकी तरक्की की राहें खुल जाती हैं। इतना पैसा मिलता है कि संभालना भी मुश्किल हो जाता है। एक है मौ आर्किट। इस पौधे को ऑफिस में रखना अति उत्तम कहा जाता है। ऑफिस में जब भी अपने काम में थकान महसूस करते हैं, इन फूलों पर आप अपनी नजर डालिए। उस नजर से, उस दृष्टि से आपकी थकान स्वतः ही दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो कैसे कैसे ये पौधे आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, थकान दूर करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, वो आज हमने चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमें सोमवार से शनिवार कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए भूले बिसरे नगमे। नमस्कार।